तो इस वक्त बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आज। तो बिल्कुल बारिश पड़ी थी, फिर सुबह से बारिश पड़ रही थी, अब बारिश रुक चुकी है। तो अब थोड़ी सफाई भी हो गई है यहाँ पर। बारिश की वजह से जितनी भी गंदगी थी सब साफ़ हो चुकी है, और अब ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पर। उससे पहले देखिए पानी पीना चाह रहे हैं, तो इसमें पानी है या नहीं है? इसमें पानी है, बारिश का पानी है, ये वो उसे पी रहे हैं। तो देखिए आप, और कुछ इतनी सफाई हो रखी है यहाँ पर। इसको देखिए आप, इस बेल को, यहाँ से भी नई निकल कर आ रही है, फिर ये जा रही है, फिर ऐसे करके यहाँ से भी ऊपर को जा रही है। तो इसे हम ज़मीन में लगा देंगे बहुत जल्द, और इन पेड़ों को भी हम ज़मीन में लगा देंगे यहाँ लाइन से। और थोड़े इसको क्लोज कर देना है हमें, क्योंकि अब जल्द से जल्द मुर्गी के बच्चे हमारे निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। एक आज कल में ही निकल आएंगे, तो इसकी वजह से और चीलों से, इन चीज़ों से बचाने के लिए इसको हम लगा देंगे यहाँ पेड़ों को। सोच तो रहा हूँ मैं से, आगे देखिए कैसा रहता है। और चलिए अपनी मुर्गी का हाल हम देख लेते हैं। मुर्गी बैठी हुई है, सुबह से लगातार बैठी हुई है, और सिल्की जो है ये बहुत परेशान कर रही है हमारी, इस मुर्गी को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से मुझे गेट बंद करना पड़ गया इसका। इस सिल्की ने बहुत परेशान करके रखा है, अभी भी यहीं पर खड़ी है। देखिए आप, सुबह से भी यहीं है और अब भी यहीं है। अंदर जाने के लिए कुड़ाक पड़ी हुई है ना ये। और मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ, और ये रही हमारी मुर्गी। और बच्चे देखते हैं इंशाल्लाह कोई अंडे में क्रैक आया या नहीं, क्योंकि सुबह जब मैंने इसे खोला था, ये बाहर निकली थी, तो अंडे जो है ना हिल रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अंडे हिल रहे थे। तो अब शायद एक आध बच्चा निकल आया हो, या कोई ना कोई क्रैक हो। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। और मुर्गी हमें काटेगी, डर लग रहा है मुझे। चलिए काटेगी तो वैसे ही, देखिए कितनी ज़ोर से काट रही है। ये अंडा हिल रहा था जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, सिल्की का। तो देखिए ये है अंडा, फिलहाल अभी तक तो कोई क्रैक नहीं आया है इस अंडे में, ऐसे ही है अंडा। तो देखते हैं इंशाल्लाह कल तक निकल आएंगे। इसको मैं वापस रख देता हूँ, बहुत काटती है ये, इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। किस तरीके से काट रही है मुझे देखिए आप, और मैं दिखाऊं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मिट्टी में बिल्कुल गड्ढे बना दिए हैं, ये नहाती हैं यहाँ पर। किस तरीके से पूरी मिट्टी हो रखी है आप देखिए, ऐसे चीज रेगिस्तानों में होती है मिट्टी, उस तरीके बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो रखी है, क्योंकि इन्हें खेलते हैं, ये नहाते हैं मिट्टी में, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मिट्टी। तो अगर आपके घर पर भी मुर्गियाँ हैं, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप उनके लिए मिट्टी ज़रूर रख लेना। क्योंकि कई सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्हें मुर्गियों का बहुत शौक है उनके घर, लेकिन मिट्टी नहीं है, वो छत पर पालते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुर्गियों में बीमारी आती है। बस मुर्गी बेचारी मतलब जी तो रही होती है, मगर एक तरीके से अधमरी हो जाती है, आधी जी रही है आधी मरी भी। और ये देखिए क्या करा सिल्की ने, गेट खुला छोड़ दिया तो अंदर चली गई। बहुत लड़ाई हो रही है इसमें, सिल्की ने बहुत परेशान करा है। और चलिए चेक कर लेते हैं, कोई और अमरूद हमारा पका हुआ है तो उसे भी तोड़ लेते हैं आज। तो चलिए तोड़ते हैं, कोई देखते हैं कौन सा पका हुआ है। तो इस टाइम इस पेड़ में लग तो बहुत रहे हैं, लेकिन कोई ना पका हुआ ढूंढना ही। देखिए ये देखिए फाइट फाइट, ये देखिए हमेशा मैं मिस कर देता हूँ लड़ाई वाला सीन, बाद में ही दिखाता हूँ जब आधी होकर लड़ाई रुक जाती है। तो खैर छोड़िए, तो हम क्या कर रहे थे, अमरूद ढूंढ रहे थे हम, कोई नज़र आ जाए, कोई दिख जाए भाई। अब वो दिखा मुझे, एक दिखा है, चलिए इसको हम तोड़ ही लेते हैं। ये लग रहा है
बस इतना ही पका हुआ काफ़ी है, इससे ज़्यादा पकेगा तो यानी ये गया। ये तोड़ लिया है मैंने, बस इतना ही पका हुआ सही है, इससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इतना ही पका हुआ सही भी लगता है खाने में, तो इसलिए इसे ही तोड़ लिया है मैंने। अब इसको खा लेता हूँ मैं या रख लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या करूँगा। और सबसे पहले आप लोगों का एक बात के लिए मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में अपने ये कहा था कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, तो आप लोगों ने मेरी बात की लाज रखते हुए आप लोगों ने कमेंट करे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने भी कमेंट करे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप ही लोगों से एक मशवरा भी लेना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ ये सिलगी हमारी कुड़क पड़ी हुई है तो इसका मैं क्या करूँ, इसे अंडों पर बिठाल दूँ या इसे ऐसे रहने दूँ, क्योंकि ये दूसरी बार अब कुड़क पड़ी, अब मेरे घर आई है, क्योंकि पहली बार जो इन्हें ये सब बच्चे निकाले थे आप लोगों ने देखे वो सब, और अब की बार मैं सोच रहा हूँ इसे फिर बिठाल दूँ, तो देखते हैं। आप लोग बताइएगा आपका भी क्या मशवरा है, तो मैं आपकी राय ज़्यादा मानता हूँ वैसे, तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो छोटी ही रहने देते हैं क्योंकि अब हमारी इंशाल्लाह कल को बच्चे निकल आएंगे इसके, तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। जंगली मुर्गी के जो तीन अंडे रखे थे हमने, एक सिल्की का अंडा, एक इसी जंगली मुर्गी का अंडा और एक हमने रखा था असील का अंडा, तो देखते हैं किस कलर के बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यह है बहुत प्यारे प्यारे निकले, और मुझे ये भी देखना है कलर कैसा होगा बच्चों का, तो बस कल या परसों, कल निकल आएंगे इंशाल्लाह, इतना मुझे पता है, हो सके तो रात तक निकलेंगे या कल दोपहर में ही निकल आएंगे, तो अब जैसा भी होगा मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।